आज हम पढ़ेंगे सेवंथ क्लास का प्रश्न नंबर 5। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार ए बी और ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। तो हम क्या करेंगे, जो दो दिया हुआ है हम पहले वो चीज ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए बी रेखा, तो हम ए बी रेखा ले लेते हैं और एक हमें ऊंचाई दी है तो हम ऊंचाई भी ले लेंगे। मैं ले लेता हूँ ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई है h, यही कहा है प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ए बी रेखा का समद्विभाजन कर देंगे। समद्विभाजन बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि समद्विभाजन कैसे किया जाता है। ये हमारा समद्विभाजन हो गया है, अब हम इसको मिला देते हैं। इसका हम चाहें तो अलग से इसका नाम भी हम दे सकते हैं समद्विभाजन के लिए, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ R, इसका नाम हम दे देते हैं D। अब ये पॉइंट R है, ये पॉइंट D है, हम R D को मिला देते हैं डॉटेड, ऐसे हमने इसको मिला दिया है। इस पॉइंट का भी हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं P। और इसका नाम देना जरूरी भी है क्योंकि हमने H जितनी प्रकार जब खोलनी है, ये हमने खोल दिया H जितनी प्रकार, तो हमने ये P पर रखनी है और आगे इस रेखा में काट देनी है जहाँ ये कट रही है। ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं C। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A से जो है वो B से हम C को मिला देंगे और A से हम C को मिला देंगे। इस तरह ये हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज H दूरी के समान बन के तैयार हो गया है। ये प्रश्न नंबर आपका है 5, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसका लंब एच रेखा के समान और शीर्ष कोण सी के समान दिया है। सबसे पहले हमें लंब दिया है और शीर्ष कोण, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या है। तो हमें ए बी रेखा नहीं दिए, तो हमने सिर्फ एक रेखा लगानी है, हम इसका नाम ए बी अभी नहीं देंगे, ऐसे हमने रेखा लगानी है। और हमने इस पे एक हमारे पास एंगल दिया है, ये कह रहा है कि एक कोण है, तो हम एक शीर्ष कोण बना लेते हैं यहाँ पे। ये मैं शीर्ष कोण बना लेता हूँ यहाँ पे, रेखा पे मैं शीर्ष कोण बना लेता हूँ। शीर्ष कोण हमने ऐसे बनाना है जिसमें आपकी प्रकार खुल सके, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है शीर्ष कोण। अब जितनी मेरी प्रकार है, मेरी प्रकार खुल जाए बस, ये है। और ये मैं चाप इधर भी लगा दी है और इतनी चाप में इधर भी लगा रहा हूँ। और मैं इसका नाम यहाँ पे दे रहा हूँ सी, क्योंकि सी कौन है। और मैं इधर इसको मिला देता हूँ डॉटेड, क्योंकि दिया हुआ है तो ये डॉटेड ही रहेगा, ये आंसर नहीं है। ये दो चीज़ें हमें दी है, ये मैं बना मिला दिया मैंने यहाँ पे इसको। और एक आपको इसका मैं नाम दे देता हूँ पहले, इसका नाम है R, इसका नाम है N। एक हमें दिया हुआ है लंब, ये दो चीज़ें हमें दी हुई है, ये आ गया H। तो एक ये दिया हुआ है शीर्ष कोण C, एक दिया हुआ है लंब H। तो हम सबसे पहले इस रेखा पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मानिए हमने यहाँ पे ले लिया P, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, P पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे ऐसे। Thank you.
इसको मिला देते हैं, ये लाइन भी डॉटेड रहेगी। हम क्या करेंगे, जितना आपका लंब है एच, ये देखिए इतनी प्रकार मैंने खोल दी है, और पी से मैं इसको काटता हूँ, यहाँ से पी से काट दिया है। इसका नाम मैं रख देता हूँ डी, यहाँ पे इसका नाम है डी। अब मुझे क्या करना है, शीर्ष कौन लेना है, तो पहले मैं इतनी प्रकार खोलूँगा जितनी मेरी चाप है, ये देखिए इतनी चाप है, ये इतनी प्रकार मैं खोल करके इस डी से नीचे को यहाँ पे मैं चाप लगा देता हूँ रोटेड। और इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम है सी, सी कौन है ये। अब मुझे क्या करना है, सी से एन जितनी प्रकार खोलनी है, सी से एन, जितना सी से एन है इतनी मैंने प्रकार खोल दी है। और मैं यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे इसको काट देता हूँ, ऐसे इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे एन, एन आ गया। जितना सी से एन है उतना ही सी से आर है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं सी पर प्रकार करके इधर चाप लगा दूंगा, जहाँ ये कटेगा इस पॉइंट का नाम आ जाएगा वही आर। अब हमने क्या करना है, ये आपने डी और एन को हमने मिला देना है आपस में, ये मिला दिया, इसको आगे बढ़ा दो, जहाँ बढ़ रहा है ये आपका पॉइंट आ गया बी, अब जाके आपका बी पॉइंट आया। और हमने क्या करना है, डी से आर को मिलाना है, पहले हम डी से आर मिला देंगे ये, अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे यहाँ तक नीचे रेखा तक, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ए, ये आ जाएगा। अब हमने ये रेखा थोड़ी हल्की लगाई थी, हम इसको डार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पक्का हो गया है कि ये रेखा यहाँ से यहाँ तक है, ये जो हमारी फालतू की जो रेखा है इसको हम रेज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 6 है, ये बनके तैयार हो गया है, आप यहाँ पे स्क्रीन में भी इसको देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।